लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। आम चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए प्रचार भी तेज हो गया है। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जनसभा को संबोधित किया। पासीघाट में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के विश्वास की बदौलत ही अरुणाचल प्रदेश में विकास के सभी काम हो पा रहे हैं। कांग्रेस पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक परिवार ने 55 साल तक दावा किया, लेकिन ये फिर भी दावा नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के सारे काम पूरे कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार का चुनाव भरोसे और भ्रष्टाचार के बीच का चुनाव है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए भी 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस बार का चुनाव वादों और इरादों के बीच का चुनाव है। ये चुनाव संकल्प और साजिश के बीच का चुनाव है। ये चुनाव भरोसे और भ्रष्टाचार के बीच का चुनाव है। ये अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए दिन रात एक करने वालों और दशकों तक अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट की उपेक्षा करने वालों का चुनाव है। मैं आपकी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा, आपके गौरव की रक्षा करने वालों और आपके परिधानों, आपकी परंपराओं का मजाक उड़ाने वालों, आपका अपमान करने वालों के बीच ये इसका चुनाव होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी चुनाव प्रचार करेंगे। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सिलीगुड़ी में रैली के अलावा कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में पिछले साल हुए पंचायत चुनाव और कुछ उपचुनाव में अपने प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी इस बार राज्य में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पहले घोटालों की चर्चा होती थी, लेकिन आज विकास की चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि NH-74 के घोटाले को कठोरता के साथ मोदी जी ने उजागर करके कार्रवाई करने का काम किया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनते ही यहां ऑल वेदर रोड बनाने का निर्णय लिया, जो उत्तराखंड की भाग्य रेखा बनने वाला है। बीजेपी अध्यक्ष आज जम्मू कश्मीर में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह ने कांग्रेस मैनिफेस्टो में देशद्रोह की धारा हटाने को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। उत्तराखंड के बाद वो जम्मू कश्मीर के उधमपुर और राजौरी जिले में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। ये हमारा उत्तराखंड, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी का गहरा रिश्ता है। उत्तराखंड की रचना के लिए अगर कोई एक राजनीतिक दल ने संघर्ष किया, उत्तराखंड के निवासियों के साथ रहा, तो वो भारतीय जनता पार्टी रही और कोई नहीं रहा। यहां सरकारें ढीली डाली बनी, कांग्रेस की बनी, अस्थिर टाइप की बनी। जब इस बार उत्तराखंड के अंदर चुनाव आया, तब हमने कहा था कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया है, मोदी जी उत्तराखंड को संवारेंगे, आप हमें एक डबल इंजन सरकार दे दो। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने आज कुपवाड़ा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा कश्मीर का दुख दर्द समझा। कांग्रेस को इसीलिए कदर है, इस मुल्क के हर एक इंसान की, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो सिख हो, ईसाई हो, और कश्मीर के अवाम के लिए खास तौर से, जिनके लिए महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे यहां रोशनी की किरण नजर आती है, क्योंकि कश्मीर एक कोना है हमारे मुल्क का, और जो भी दूर होता है वो हमेशा हमेशा समझता है कि शायद मुझ पर नजर है कि नहीं। यही वजह थी कि कांग्रेस हमेशा आप पर नजर रखती थी,
आपके दुख और दर्द को समझती थी। और कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से हमला बोला है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने आफ्सपा को लेकर कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो आफ्सा कानून की समीक्षा की बात कही गई है, ये सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ेगा। कानून इसका अमेंडमेंट करो, इसका नतीजा आई फील विल बी सेवरल टाइम्स टेररिस्ट फ्रेंडली पीपल कैन ऑल्सो क्लेम एवरी सच अरेस्ट दैट इट वॉज अकंपनीड बाई सेक्सुअल हरेसमेंट और टॉर्चर। लिखने वाले कंप्लेन लिखने के समय ये सब जोड़ेंगे क्योंकि उससे उनको राहत मिल सकता है। ऐसे अमेंडमेंट से किसको आप मदद करने वाले हो? इज दिस राइट? इज दिस राइट इन अ सिचुएशन वेयर द आर्म फोर्सेस ऑफ दिस कंट्री इज फाइटिंग विद देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट दिस नेशन फ्रॉम दोज पीपल हु हैव कम इन एंड हु आर प्लेइंग लाइक लोकल्स समटाइम्स and creating terror among people, what is this amendment's objective? लोकसभा चुनाव के लिए जहां चुनाव प्रचार जोरों पर है, वहीं नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज अनंतनाग लोकसभा सीट से अपना नामांकन भरा है। प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में धुआंधार प्रचार का दौर चल रहा है। वहीं केरल के वायनाड से एनडीए उम्मीदवार तुषार वेलापल्ली ने नामांकन दाखिल कर दिया है। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ होगा। कांग्रेस ने ऐलान किया था कि राहुल गांधी अमेठी के अलावा केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद से ये सीट चर्चा का विषय बन गई। इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। सूची में तीन उम्मीदवारों के नाम हैं। इन तीन उम्मीदवारों में दो उम्मीदवार गुजरात से हैं और एक केरल से हैं। मेहसाणा से शारदाबेन पटेल को टिकट दिया गया है, जो पूर्व मंत्री दिवंगत अनिल भाई पटेल की पत्नी है। इसके साथ ही गुजरात की एक और सीट सूरत से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है और यहां से दर्शन जरदोश को टिकट दिया गया है। पार्टी ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए भी 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ओडिशा में 4 चरणों में मतदान होगा जो 11 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कल 20 और सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। पार्टी ने पंजाब की 6, गुजरात की 4, झारखंड की 3, कर्नाटक और ओडिशा की 2-2, हिमाचल प्रदेश और दादर और नागर हवेली की 1-1 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पार्टी ने पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को चंडीगढ़ लोकसभा सीट से, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री परनीत कौर को पटियाला सीट से टिकट दिया है। पंजाब में कांग्रेस ने गुरदासपुर से सांसद सुनील जाखड़, अमृतसर से गुरजीत सिंह गुजरा, लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू और जालंधर से संतोष सिंह चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। होशियारपुर से पार्टी ने राजकुमार छब्बेवाल को टिकट दिया है। वहीं ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए भी 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। और अब बात चुनाव स्पेशल की। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर गठबंधन को 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि एनडीए के सामने गठबंधन चुनौती नहीं है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने रामविलास पासवान से खास बात की। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान जी हमारे साथ हैं। लोग तो चुनाव लोकसभा चुनाव की अपनी सीट छोड़ते नहीं है, आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, हम पहले से ही हम लोगों ने पार्टी ने निर्णय ले लिया था कि हम जाएंगे कैतनराज सभा हम जाएंगे। और 50 साल 1969 में एमएलए बने थे, 50 साल क्या हो गया है, तो अपना थोड़ा सरकार में जाने के बाद जो है पार्टी का दूसरे राज्य में जो संगठन वगैरह है तो वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है, तो हम लोग अपना संगठन के काम को देखेंगे। ये जो आपके सामने एक जो महागठबंधन है आरजेडी कांग्रेस और इसके अलावा अन्य जो 2-3 पार्टियां हैं, उसके सामने आप लोगों की एनडीए में इस बार क्या स्थिति रहेगी? अभी तो बना ही नहीं उनका, कहाँ है अभी तो सीट, वो तो गठबंधन, वो तो गठबंधन ही नहीं है, तो महागठबंधन क्या हो, कहाँ बन गया है? वहाँ क्या कहते हैं कि
वो जो दोनों क्या कहते हैं कि जो तेजस्वी है और तेज प्रताप है, वहां अपने लठम लट्ठी हो रहा था, कहां बन गया है जो सीट का बंटवारा। अभी तो पूरा सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, बहुत सीट खाली ही है। फिर कांग्रेस के साथ में कहीं है, कहीं सीपीआई के साथ में है, कहीं क्या कहते हैं कि दोनों भाई में है। तो इसलिए जो है वहां कोई चैलेंज ही नहीं है। एनडीए के सामने में जो है कोई गठबंधन का चैलेंज ही नहीं है। हम लोग 40 में 400 सीट जीतेंगे। 2014 में जो स्थिति थी उसके बाद इस साल जो स्थिति है उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है, कौन सा मुद्दा लग रहा है आपको? उसके बाद से देश कहां से कहां चला गया। पांच साल में क्या कहते हैं कि देख रहे हैं जो अभी जो ये सब सारा का सारा चीज चल रहा है पड़ोसी देश के साथ में, तो लोगों के दिमाग में यही है कि भाई तुमको प्रधानमंत्री जो है, लड़ाई तो प्रधानमंत्री की होगी ना, तो प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी एक तरफ से नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ से किसको मानने को तैयार है? राहुल गांधी कोई मानने को तैयार ही नहीं है। कोई मजबूत सिंगल पार्टी की सरकार होती है तो पांच साल चलती है, नई सरकार होती है सिंगल पार्टी का तो तीन महीना छह महीना चलती है। अब सरकार क्या कहते हैं कि बनी तो मानते चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी थी तीन महीना चली, चंद्रशेखर की सरकार बनी तीन महीना चली, बीपी सिंह जैसे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि बने, यही कांग्रेस पार्टी चलने नहीं दिया, बीजेपी ने समर्थन वापस लिया तो समझ सकते हैं तुमने क्यों नहीं दिया था, जबकि मंडल कमीशन का सबका मामला था। फिर उसके बाद देवेगौड़ा की सरकार बनी, फिर गुजराल की सरकार बनी। तो 40 में से कितनी सीटें इस बार? 40 में से कादगो सीट इधर उधर हो जाएगा तो हो जाएगा, सब सीट जीतेंगे। तो रामविलास पासवान जी को पूरी उम्मीद है कि एनडीए पिछले साल की तरह या उससे बेहतर इस बार भी प्रदर्शन करेगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डीके पांडे के साथ पटना से अखिलेश सुमन। उत्तराखंड का हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र एक हाई प्रोफाइल सीट है। यहां से बीजेपी ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री और यहां से सांसद रहे रमेश पोखरियाल निशंक पर दांव लगाया है। वहीं कांग्रेस ने इस बार यहां से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और स्थानीय उम्मीदवार अम्बरीश कुमार को उतारा है। यहां इस बार गंगा की सफाई, गन्ना किसानों का भुगतान, श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाएं और रोजगार बड़े मुद्दे हैं। हरिद्वार यानी भगवान के घर का द्वार, धार्मिक आस्था से जुड़ा शहर है। इस लोकसभा सीट का उत्तराखंड की राजनीति में अपना खासा दबदबा रहता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और इस सीट से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक एक बार फिर मैदान में हैं। बीजेपी का कहना है कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के विकास कार्यों के दम पर पार्टी फिर जीत दर्ज करेगी। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार हमारे त्रिवेंद्र रावत जी की ईमानदार सरकार ने प्रदेश के अंदर काम किया है, आप ताजुब करेंगे। हमने केवल पीडब्ल्यूडी में रीएस्टिमेट कराकर 150 करोड़ रुपए की बचत की है। हमने पलायन आयोग बनाया पहली बार, उसने स्टडी की और उस स्टडी पर हम रिसर्च कर रहे हैं, पूरी तरह उस पर अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे पलायन को रोका जा सकता है। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र का विस्तार देहरादून और हरिद्वार जिले में है। हरिद्वार लोकसभा सीट में कुल 14 विधानसभाएं हैं। अभी 14 विधानसभा सीटों में से 11 पर बीजेपी का कब्जा है। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की विधानसभा सीटें शामिल हैं। ऐसे में इन सभी की भी प्रतिष्ठा इस सीट से जुड़ी हुई है। उधर कांग्रेस का दावा है कि राष्ट्रीय मुद्दे यहां उसे जीत दिलाएंगे। संविधान को तोड़ने की बात है, इसका मुद्दा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म की जा रही है, इसका मुद्दा है। हमारे व्यापारियों का मुद्दा है, जीएसटी के नाम पर जिस प्रकार उनका उत्पीड़न हुआ, और इस क्षेत्र के सम्मान और स्वाभिमान का मुद्दा है। गंगा की सफाई, गन्ना किसानों के भुगतान, श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाएं, रोजगार अहम मुद्दे हैं। वहीं जाति समीकरण भी बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। यहाँ पर जो समस्याएं हैं, यात्रियों की जो सुविधाएं हैं, जो प्राथमिक सुविधाएं होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। ट्रेवल एजेंट्स हैं, अब उनको उनकी समस्या रहती है कि यहाँ जो ट्रेवल यात्रा की शुरुआत होती है चारधाम यात्रा की, तो वो शुरुआत होती है ऋषिकेश से। और एक और जो बात नमामि गंगे योजना चली सरकार की, तो उसके बाद लोगों का ध्यान गंगा की तरफ गया है। जो हरिद्वार जिला है उसमें एक तो समस्या है गन्ना की। गन्ना यहाँ पर अच्छी मात्रा में पैदा होता है, लेकिन उनका किसानों का पूरा जो भुगतान होना चाहिए उनको समस्या है, और इस नाते उनका कहीं ना कहीं विरोध रहता है। लेकिन कैडर वोट अगर बसपा का चला जाता है
और अल्पसंख्यक वोट उधर चला जाता है और सैनी वोट प्रतिबद्ध होकर अगर उधर चले जाते हैं तो निश्चित रूप से बसपा बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। 2014 में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को बीजेपी ने मैदान में उतारा था। उन्होंने कांग्रेस नेता हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत को शिकस्त दी थी। कांग्रेस ने इस बार स्थानीय उम्मीदवार को उतारकर बड़ा दांव खेला है। वहीं रमेश पोखरियाल निशंक पर 2014 वाला परिणाम दोहराने की चुनौती होगी। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी।